इस वीडियो में जो हम लोग जो बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जो आज इंसान का बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसको जो है समझने के लिए पहले समझते हैं। देखो, किसी भी इंसान के लिए जो है बिलीफ सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि जो है मान लो तुम एज अ लीडर तुम कोई काम कर रहा, तो यदि तुमको तुम्हारे काम में बिलीव ही नहीं होगा तो एक तो तुम भी डूब जाएगा, तुम्हारे साथ जो काम कर रहा है वो भी डूब जाएगा। इसीलिए जो है आज जो हम असल में जो है बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाए। यदि तुमको यदि तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं डूबने का ये जो है चांस है। इसीलिए तो देखो, किसी भी इंसान को जो है बिलीव, मतलब कोई भी इंसान को जो है बिलीव किस पर डिपेंड करता है, मतलब यदि हम समझे कि किसी भी इंसान को बिलीव कैसे मजबूत कर सकते हैं, बिलीव को जो है कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो कोई भी इंसान जो है बिलीव तभी मजबूत होगा जब जाकर जो है वो जो है बिलीव टोटली जो है तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा बिलीव जो है उसका उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो कम से कम तो देखो, तो इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, मेरा यहाँ पे जो है टूर्नामेंट हुआ था, तो उस टूर्नामेंट में ना एक जो है लोकल प्लेयर, एक जो है लोकल लड़का को लेकर जो है टूर्नामेंट, एक लोकल लड़का को लेकर जो है एक टीम बनाया, और वो टीम वाकई में बहुत अच्छा टीम था। वो लग रहा था वो टीम जीत सकता था क्योंकि उसमें जो है लोकल लड़का लोग था उस टीम में। तो जब वो जो टीम बनाया तो जो है जब देखा गया वो जो है मैच हो रहा था, नॉकआउट मैच हो रहा था, तो नॉकआउट मैच हो रहा था तो ये लोग देखा कि क्या केस हुआ, तो जो है देखा कि पहले ही नॉकआउट मैच में जो लोकल टीम था वो जो हार गया। लेकिन जो है उसके बाद जो ऐसे तो वो तो उसका भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया उस टीम के ऊपर, तो छोड़ दिया। फिर जो है सेकेंड टूर्नामेंट हुआ, फिर कुछ दिन बाद जो है नया टूर्नामेंट जो वही जो है मैदान में जो चालू हुआ। इस बार क्या किया, जो मतलब जो प्लेयर था वो जो उस टीम को छोड़ के इस बार क्या किया, वो जो उस टीम को छोड़ के इस बार जो है नया टीम बनाया, और जो इस बार इस टीम में जो है सब नया नया लड़का लोग को लेकर आया सिर्फ बार बार का। अब वो जो लोकल टीम को ये जो छोड़ के गया था, ये जो लोकल जो टीम को छोड़ के गया था, उसके बाद जो है जो बाद में देखा गया जो लोकल टीम को जो छोड़ के गया था, फिर जो है बाद में वो देखा गया कि जो है दूसरा जो है वही लोकल टीम जो है उस टूर्नामेंट का जो है रनर्स हुआ। तो और जो 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 टीम था, जो प्लेयर था, जो नया टीम बना था, उसका टीम क्या हो गया, हार गया। तो इसीलिए जो देखो, इसीलिए वो जो इस देखो इससे क्या सीख मिलता है कि तुमको जो कोई भी चीज़ पे जो है कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। यदि तुमको उस पर बिलीव ही नहीं है तो फिर जो है तुम भी डूब जाएगा और तुम्हारे साथ जो रहेगा वो भी डूब जाएगा। देखो, जैसे वो प्लेयर था पहले वही टीम के साथ खेला, लोकल टीम को लेकर अच्छा टीम बना, तो वो टीम क्या हो गया, आउट हो गया पहले ही टूर्नामेंट में। लेकिन फिर जाके जो है वही जो है सेकेंड राउंड टूर्नामेंट हुआ वही टीम में, मतलब वही फील्ड में जो सेकंड टूर्नामेंट हुआ, लोग रनर्स हुआ ना, यदि वो जो प्लेयर उस पर भरोसा रखता पहले टीम पे तो जो है वो टीम क्या होता है, विनर होता है। इसीलिए कभी कभी जो है भरोसा भी रखना चाहिए कि यदि तुमको बिलीव नहीं होगा तो फिर जो बिलीव क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना। इसीलिए अब देखो, बिलीव को यदि मजबूत करना है तो हमने बिलीव को कैसे मजबूत कर सकता है, तो बिलीव को मजबूत करने का एक ही तरीका, वो तरीका क्या, जो है मेहनत। कम से कम तुम जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतने ही तुम पे जो है तुमको जो है भरोसा आएगा। देखो, लीडरशिप को जो है अपना बिलीव सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि देखो जब तुम कुछ भी नया काम करेगा तो आदमी तुमको गरियाएगा, तुमको गाली देगा, तो उसका गाली सुन के तुमको रहना नहीं है, बल्कि उसको जो है तुमको तुम पे भरोसा रहना रहेगा। तुम जो है भरोसा करेगा, तुमको जो दिखाना कि वो काम जो है तुम सही करा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो है तुम जो है मतलब जो काम है तुम सब समय सही करें। हाँ, यदि कुछ गलती होगा तो उसको जो है सुधारेगा, कहाँ कहाँ गलती हुआ उसको देखेगा कि मेरा ये गलती था, इस गलती को हमको सुधारना है, तो उस पर जो है काम करेगा। लेकिन एज अ लीडरशिप क्वालिटी में मेनली यही इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको जो है ये समझना पड़ेगा कि जो है तुमको तुम पे बिलीव करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ कर रहा तो उस पर, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया उस पर तुमको जो है वहाँ पर रहना और उस पर जो है टिका रहना। बिलीव को यदि मजबूत करना तो एक ही तुम काम कर सकते हो, वो काम क्या, तुमको जो है मेहनत। तुम जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना तुम्हारा ज़्यादा बिलीव मजबूत होगा, यदि तुम जो है मेहनत कम करेगा तो फिर बिलीव नहीं होगा। इसीलिए बिलीव सिस्टम को काम करने के लिए तुमको जो है क्या करना पड़ेगा, मजबूत ज़्यादा होना पड़ेगा, और जो है मतलब जो है अंदर से जो है तुमको जो है थोड़ा थिंकिंग रखना पड़ेगा। और देखो, और एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं तुमको, जो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग को मालूम नहीं था, तुम लोग को मालूम नहीं है कि इंडिया वनडे वर्ल्ड कप हुआ कुछ दिन पहले, तो इंग्लैंड और इंडिया, मतलब उस इंग्लैंड और इंडिया दो टीम जो है बहुत ही अच्छा टीम माना जाता था, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा टीम था जो वनडे वर्ल्ड कप में क्या करना चाहा, एक साथ जो है नौ प्लेयर को जो उतारता था, मतलब नौ प्लेयर उसमें बैट्समैन ही रहता था, मतलब वो कुछ प्लेयर ऐसा भी रहता था जो बैटिंग भी कर पाता था, बॉलिंग भी कर पाता था, मतलब मैक्सिमम ऑलराउंडर को लेकर खिलाना चाह रहा था।
लेकिन इंडिया लोग मैक्सिमम क्या ट्राई करता, मैक्सिमम जो है ये लोग ट्राई करता मतलब प्रॉपर जो है 6 बैट्समैन 5 बॉलर इस तरीके का जो है ट्राई करना चाहता, इस तरीके से सोचता उन लोग का। तो इंग्लैंड वाला लोग का जो थिंकिंग था देखो, वो थिंकिंग में जो है वो लोग क्या हो गया, ये थिंकिंग से जो है वो लोग वर्ल्ड कप जीता, ज़्यादा ज़्यादा बैट्समैन करके खेला वर्ल्ड ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद ये लोग क्या किया T20 वर्ल्ड कप में, ये लोग क्या किया इंडिया वाला लोग जो अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया, अब ये लोग भी जो है T20 में मैक्सिमम बैट्समैन ऑलराउंडर लोग को जो है खिलाने लगा। लेकिन बाद में फिर ये लोग खुद देखा, खुद अपने पे रियलाइज़ किया कि यदि जो है प्रॉपर यदि 6 बैट्समैन ही यदि अच्छा से खेला और 5 बॉलर ही अच्छा से खेला तो टीम और मजबूत होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ता, तुम 9-9 बैट्समैन का जरूरत ले लेगा तो उसमें उतना का काम भी नहीं है, तुम्हारा 6 बैट्समैन सॉलिड होगा, 5 बॉलर ज़्यादा होगा, इसीलिए देखो तो इसमें क्या ना ब्लिप। अब इंडिया को भी क्या चाहिए, उसका ब्लिप सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बस उस पर थोड़ा मेहनत। देखो कुछ भी चीज़ को छोड़ के चल जाना बहुत ही आसान होता, लेकिन उस पर रह के जो करना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन जो रहता वही तो सक्सेस होता है ना। तो देखो ना तुम्हारा सब वही जन जो है एक साथ बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन क्या कौन टिक पाता, सब खत्म हो जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम का भी यही केस है, एक साथ बहुत जन स्टार्ट करता है लेकिन रहता कितना जाना, मतलब बहुत जन सोचता है कि हम यही पढ़ाई कर लेंगे, हम यही कर लेंगे, लेकिन रहता कितना जाना, फिर बाद में सब अपना खत्म हो जाता, सबका जोश जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो है तुम जो कर रहा वो जो सही कर रहा हो, इस पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अरे भरोसा कहाँ से आता, तुमको तुम्हारा जो मेहनत यही तुमको भरोसा देगा, तुम जितना मजबूत मेहनत करेगा उतना जो है तुम जो है तुम्हारे पास भरोसा रहेगा। एक लीडर पे जो खुद पे भरोसा नहीं होगा तो खुद भी डूब जाएगा, फिर खुद भी कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरा भी उसके साथ जो रहेगा वो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपना बिलीफ सिस्टम को जो है मजबूत करना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर, यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।